हाय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कोई अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे। दोस्तों, दूरी बना कर रखें और मास्क जरूर पहने जब आप किसी से मिलते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ अंग्रेजी कैसे सीखा जाए उसके बारे में शेयर करूँगा और साथ ही साथ मैं बताऊँगा कि आपको अंग्रेजी कैसे सीखना है। दोस्तों, इससे पहले मैं एक चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं, एक घंटे में आपके दिमाग में 2500 से लेकर 3300 सोच यानी थॉट्स आता है। यदि हम लगभग दिन भर में हम काउंट करें तो 50,000 थॉट्स यानी सोच आपके दिमाग में आता है। आप एक कमाल के इंसान हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कमाल के इंसान हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप जो भी करते उसमें आप फर्स्ट आ सकते हैं और आप अच्छे कामयाबी पा सकते हैं। दोस्तों, पहली बात, अंग्रेजी सीखने के लिए पहले आप अपने आप पर भरोसा करना सीखें। दोस्तों, आज के दिन में हम देखते हैं कि लोग अपने ऊपर कम भरोसा करते हैं और टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन पढ़ने के मामले में ऐसा नहीं होता है। आपको पढ़ना होगा। कई लोगों को आप देखेंगे गूगल सर्च इंजन में सर्च करेगा कि अंग्रेजी कैसे जल्दी सीखा जाए, या तो वो गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करता है। ऐसे में आप अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते। अंग्रेजी सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत करने का मतलब है कि आपको किताब बुक्स को भी खोलना पड़ेगा। सो दोस्तों, अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान तरीका जो है, आप अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अंग्रेजी पढ़ने से आपका फ्लो आएगा। दूसरी बात, आप अंग्रेजी का वीडियो देखें या अंग्रेजी न्यूज़ सुनें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। दिन प्रतिदिन आप अपने आदत को बनाते जाएं। पहले पहले आपको बड़ी अटपटा लगने वाला है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और जो शब्दों आपको समझ में नहीं आता है उसको आप ढूंढ के उसका मीनिंग को निकालें, और उसी समय आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि हमेशा आप गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करें। इसी तरीक़ा से आप अपने जो वोकैबुलरी पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। यदि आप एक पूरे सेंटेंस माने एंटायर सेंटेंस को आप पढ़ेंगे, सो सेंटेंस के पूरे मीनिंग माने एंटायर सेंटेंस के मीनिंग के साथ साथ उस वर्ड का भी मीनिंग आपको पता लग जाएगा। इससे आप बहुत जल्दी सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। अब मेहनत करते रहे, मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर और एक नई अंग्रेजी का ट्रिक्स लेकर आप लोग के सामने आऊँगा और आप लोग को बताऊँगा। थैंक यू।